हेलो जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ कैसे संभव बा? बियाह के सारा तैयारी हो चुकल बा, हमार घर में मेहमान लोग आ चुकल बाड़न, सब जगह काट बंटा गइल बा। रउआ कहता नहीं कि एक महीना खातिर बियाह रोक दी। देखिए ठाकुर साहब, हम इतना न कह रहे बानी कि शादी ना होखी, लेकिन एक महीना ठहरे में रउआ इतना उतावला ना होखे के चाहिए। रउआ एक महीना खातिर बियाह काहे टालल चाहता नहीं, ये जानल हमरा खातिर बहुत जरूरी बा। ठाकुर साहब, हम एगो ज्योतिषी से बात कैले बानी, उनका मुताबिक ये महीना में शादी कैला शुभ नहीं है और हमार बेटा बहु खुश ना रही और संस बरकत भी ना मिली। समधिन जी, रउआ इसे बाद में विश्वास करी ले का, बाकी हम तो ना मानी ले। ठाकुर साहब, हम लेकिन मानी ले, कहे कि हमार बेटा की जिंदगी के सवाल बा। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम प्रणाम। रघुवीर बाबू, ये सब हम का सुन रहल बानी। रउआ ये सब बात पर ध्यान मत दी, निर्धारित समय पर हम दूल्हा और बराती के लेके हाजिर हो जाएंगे। हम हमार बेटा ज्योतिष ज्योतिष पर विश्वास ना करेंगे। धन्यवाद रघुवीर बाबू। बाकी एक बात समधी जी के बता दी कि अगर ज्योतिष से परामर्श लेभी के रहे तो ब्याह के दिन तय भैला के पहले ले लेवे के चाहत रहे। अभी में हमार मान सम्मान जुड़ल बा, माफ करी, हम समधीन जी के विचार के सम्मान ना कर सकब। ई सब इन औरतन के दिमाग में घुस जाए तो हम मर्दन के जिंदगी आसान ना हो जाए। अब ई सब लेके रहुआ टेंशन मत ली, हम आ रहल बानी, ये एगो ठाकुर का वादा। अच्छा, प्रणाम। ए जी सुनी ना, कहीं सचमुच तो हमार बेटी जमाई के कोनो तकलीफ ना होखी? ठाकुराइन, अब रउआ जाहिल ऐसन बात मत करी, जाए अपना काम करी। माफ कर दी, ऐसे मुंह से निकल गई है। ए तनुजा के माई। हाँ? अरे हम सोचत रहनी कि हम तनी महादेव बाबू के यहाँ से जाके कुछ रुपया उधार ले आते, और तू बाजार जाके ठाकुर साहब के लड़की खातिर कुछ नीमन जैसा तोहफा ले आती, दोनों जना चलल जाए। तोहफा? अरे ठाकुर साहब इतना बड़का आदमी बानी, हमने के का औकात बा उनका बेटी के तोहफा देवे के? बताई, खाली तोहफा देवे से काम ना चली, वहाँ जाए खातिर कपड़ा लत्ता भी ढंग के चाहिए। अजय रउआ के पास भी नहीं है और हमरा पास भी नहीं है। बताई, ई फटेहाल स्थिति में अगर वहाँ जाए तो बेटी के शर्म से माथा झुकी न कि ना झुकी? बताई, हम वहाँ ना जा सकिले। बाकी हम सोचा तनी कि तू अगर जैतू तो ठकुराइन से तनुजा के बारे में कुछ बात कर ले, तू कम से कम 15 दिन के छुट्टी मिल जाए तो राज आ तनुजा के शादी करवा दे, ओकर बाद अगर वो चाहतन तो तनुजा फेन से अपन नौकरी ज्वाइन कर लेती। कैसन बात कर रहा जी, बेटी शादी के बाद ससुराल जाई कि काम करे जाई? बताई, देखी बेटी के शादी हो जाए के बाद माँ बाप के ओकरा पर कोई अधिकार ना होला। शादी के बाद बेटी से पैसा लेवल हराम के कमाई होला, ई हम ना ले सकी। बाकी हम तो राज के बारे में सोचत रह। अरे हमनी के सोचला से अगर काम बन जाए तो हम दिन भर सोचती, लेकिन जेकरा भाग में जवन होई वही होई ना। Thank you.
ए जी ए ठीना आ सुते दा सुनी ना कैसन कैसन आवाज आवता का भई हां का भई देखी सुनी कैसन कैसन आवाज आवता हां आवाज तो आ रहल बा बाकी कहां से आ रहल बा चल के देखल जाओ कहीं घर में कोनो चोर डकैत तो ना घुसल हा रसोई घर के तरफ से आवाज आ रहा बा चोर रसोई में का करी भूख लगल हुई खाना खात हुई जाए दीजिए खाना खाए दी हाँ? हम कहे कि महाराज पहले भर पेट खाना खा ला फिर चोरी करी हा हमनी का सुतल रह जा रुकी जाम जाता ना हम चल ठाकुर के बेटी हैं हाँ? गोर दिखाई देते कर मुंह के नेबा मुहवा से खाई थोई आईना अरे ई त अपन मटरू महाराज महाराज जी ई रात में गोर ऊपर करके शीर्षासन करतानी बॉडी बनावे के इरादा बा का अरे ना मालिक कैसन बॉडी के बचाली मालिक आपके बचाली भाई का हैं अरे का बताई नीचे उतारी गो कैसे नीचे उतारी मलिकान ओए देखी ये हमार गोल फूल के केला के पेड़ जैसे हो गए ऊ का है ऐसे मालूम कि हम ही जूतवा पहनले रही आई हमार जूता गोर के काट दलस मालिक गोर के काट दलो और अब तो लगा था मालिक कि गोर के साथ साथ हमार प्राणो जाय मालिक हां ये बात है महाराज जी कि अगर गोर ना काटल जाए तो और प्राण चल जाए अभी बताएं कि प्राण बचाए कि गोर बचाए ठीक है कहता नहीं मालिक लाओ ना हमार गोर काटो हां ए मां जाके ले आ जल्दी सारी ले अब ही ले के आ गोर काटे के पड़ी हां ए मालिक ठीक बा आ गोर लगे तनी हमार गोर ना काटी मालिक कितना मानत रहे गिरधारी काका सीधा साधा आदमी के स्वस्थ आदमी के गोर काट के पहच बना बतानी ब्राह्मण है काका रवा के ब्रह्म हत्या लगी छोड़ दी हमरा चंपा पकड़ इनके हाथ हो ए चंपा ये क्या कर तरफा ए देखिए मम्मी कितना नीक लगा था ना इनके हाथ में मेहंदी केहू की नजर ना लग जाए अजली बहू तनी संभल के गिर जाइबू ऐसन हालत में तनी संभल के चलल जाला अरे
बड़ी दिन के बाद घर में किलकारी गूंजी। हम तो सोचले रही कि सूरजवा के पोता देखले बिना दुनिया छूट जाई, लेकिन बड़की बहू ना सही मझलिए बहू से ही दिन देखे के मिलन। चाची, बड़कियो दुल्हन के इलाज चल रहल बा। अगर माँ दुर्गा की कृपा रही और रउआ लोगन के आशीर्वाद रही तो बड़कियों के गोद जरूर भरी। ना बरस भइल शादी के बड़की बहू। मामी जी, रउआ तो आई रही बिया में, रउआ के याद दिखेगा। अरे चंपा, जाजा तनुजा के भी बुला लिया बा, वो मेहंदी लगवा ली। माँ जी, का तनुजिया भी मेहंदी लगाई? हाँ हाँ, काहे ना। अरे आज कतना खुशी के दिन बा। दीदी थोड़े ज्यादा माने लिन तनुजिया के, हाँ ना दीदी? का दुल्हन, छोटकी बहू के घर से कोई ना आइला ना का? अब जब बेटिये ना रहली चाची, तो संबंध रखे के चाहता? हाँ ये तो बात है। माँ जी, रवा बोलवनी है कामरा की? हाँ हाँ तनुजा बेटी, तू हूँ मेहंदी लगवा ला। ना ना, हम ना लगाए, हमरा बहुत सारा काम बा ना, और विक्की बाबू के खाना भी खियाबे के बा। अच्छा ठीक बा, बाकी अगर मेहंदी लगावे के मन होखे तो हमरा के बताई, हम रुबीना के भेज दे। जी अच्छा। देख ले लू ना भौजी कि हम काहे मानी ले एकरा। हम तनी देख के आओ, तनी खाना के का व्यवस्था बा। हाँ दुल्हन, लड़की बड़ा संस्कारी भी है। का? मास्टर जी, शादी में हारल बड़ा? पता ना, बाकी ठाकुर साहब न्योता तो देले बाड़न। बाकी मास्टर जी उस दिन मिलल रहलन, कुछ कहलन तो ना? तनुजा जी, वो जो जेवर देले रहनी, वो ठीक जगह पर पहुंच गई ना? जी जी, हम ठीक जगह पहुंचा देले बने। ये तनुजिया, शंकर के साथ है? बतियावत हुई। अच्छा अब हम चला। ठीक बा, नमस्ते। नमस्ते। कहीं जेवर के बारे में शंकर? अरे तने जितनी हटी 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 ए ए लेकिन सुनो सुनो जी, कहीं तो शंकर से का बतियावत रहलो? ऐसे रउआ का मतलब ये हमारा निजी मामला बा। अच्छा, तो तू जेवर के बारे में काका जाना तरू? कौन जेवर? उहे जे रउआ घोड़ी के यहाँ छोड़ल रही। अच्छा, तो तेरा सब पता बा? सब कुछ नहीं की जानत, बाकी ई जरूर जानत नहीं कि रउआ आधी रात के वो घोड़ी के यहाँ गल रही। बाकी काहे खातिर गल रही ई अभी तक नहीं की जानत। तो हमरा ख्याल से ई बात जानल तहरा जरूरी भी नहीं खे। ठीक कहता नहीं होगा, सब बात जानना जरूरी थोड़े होला। जैसे हम शंकर से का बतियोले बनी, यहो जाने के रहुआ कोनो जरूरत नहीं। ए लेकिन तहार मुँह आजकल कुछ ज्यादा चले लगल बा, कान खोल के सुनला। हमरा से होशियारी मत करी हा, ना तो ऐसन डंक मारम कि कोनो ओझा जहर ना उतार पाई, समझ लू?